घरानों का बड़ा हाथ है। जहां गति है वहां प्रगति भी है। प्रगति में कुछ परिवर्तन की भावना सन्निहित है। प्रगति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसमें परिवर्तन तो आता ही है। वैसे ही कला और शास्त्र की प्रगति में एक कलाकार दूसरे कलाकार का मार्गदर्शन करता है। पहले कलाकार ने कला को जिस स्थिति पर लाकर रखा है, वहीं धागा पकड़कर दूसरा कलाकार कला की प्रगति करता है। यानी शास्त्र और कला, ये अनेक कलाकारों तथा सिद्धांतों के परिश्रम और अनुभव का सार है। तानसेन समारोह के प्रांगण से आज सुरों की संगीत की गंगा बह रही है और दूरदर्शन के डीडी भारती के माध्यम से पूरे देश में पहुंच रही है। वैसे तो संगीत का संसार कितना विराट है ये बताना, व्यक्त करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत का संसार में एक विशिष्ट मुकाम है, एक अलग पहचान है। शास्त्रीय संगीत गुरु के बगैर सीखा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा संगीत है जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि साधक पूरी तरह से पारंगत हो चुका है, एक पूरा जीवन साधना के लिए कम है। शास्त्रीय संगीत आत्मा की गहराई से आता है, इसे पूर्ण रूप से समर्पित भाव से सीखना पड़ता है। इसे बिना गुरु के निर्देशन में सीखना असंभव है। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा उत्सव है, जिसकी पूरी भावना श्रद्धा और समर्पण से जुड़ी हुई है। ग्वालियर बाबा तानसेन की वो नगरी है जहां की शास्त्र सम्मत संगीत परंपरा पूरे देश में पूज्य भाव से कला साधकों द्वारा ग्रहण की जाती है। संगीत के इस पड़ाव पर अब हम रसास्वादन करेंगे कमल कामले जी के वायलिन वादन का। कमल जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कमल जी का जन्म इंदौर के एक सांगीतिक परिवार में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा अपने पिता श्री छोटेलाल कामले से और विधिवत प्रशिक्षण सेनिया घराने के किंवदंती बीनकार उस्ताद बाबू खां साहब के शिष्य श्री जगदीश प्रसाद वैद्य से प्राप्त किया। कमल जी की वायलिन वादन कला और रचना धर्मिता, इसको विख्यात सारंगी वादक उस्ताद मोइनुद्दीन खां साहब ने अपने मार्गदर्शन में सारंगी के मधुर स्वरों से अलंकृत और समृद्ध किया। अपनी कला प्रतिभा के सम्मान स्वरूप कमल को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और सुरमणि की उपाधि प्राप्त हुई और वर्ष 1981 में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, जो आपने आकाशवाणी की अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता के अंतर्गत वायलिन वादक में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर अर्जित किया। परंपरा का गरिमायुक्त निर्वहन, अद्भुत संचालन शैली, दोष रहित गज संचालन, सुघड़ गहन आलापी और गमक, द्रुत सपाट तानों का विलक्षण प्रवाह और तीनों सप्तकों में मुक्त विचरण आपके वायलिन वादन की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसने इन्हें हिंदुस्तानी संगीत की युवा पीढ़ी के अग्रणी वादकों में स्थापित कर दिया है। तानसेन समारोह न केवल संपूर्ण हिंदुस्तान का प्राचीनतम संगीत समारोह है, बल्कि अपनी निरंतरता के 83 वर्ष पूरे कर रहा है। इसलिए यह अवसर विशेष रूप से बहुमूल्य है। एक स्तरीय आयोजन धर्मी परंपरा को निरंतरता प्रदान करना कठिन काम होता है। हमारे यहाँ इस परंपरा ने न केवल निरंतरता पाई है, बल्कि गरिमा और अनुशासन का भी पालन किया है। इस समारोह में अब तक पधारने वाले मूर्धन्य मनीषियों को इस बात का श्रेय है कि उनके अनूठे कलाबोध, जीवन पर्यंत के सृजन और साधना ने तानसेन समारोह को अविस्मरणीय आभा प्रदान की है। इस गान महर्षि को श्रद्धांजलि स्वरांजलि देने का ये 83वां वर्ष है कि वो मंच पर आकर के कमल जी का अभिनंदन करें।
Thank you.
Thank you.
कमल कामरे जी के बारे में वादन के बाद अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मुंबई से पधारे शास्त्रीय गायक आदरणीय श्री रामदेश पांडे जी को।